हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डायरेक्टर हिस्टोरिका अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। ये स्पेसिफिकली मैं आज आपसे बात करने वाला हूं ऐसे छात्रों को जिन्होंने कि एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और वाई की जो कि ऑनलाइन की परीक्षा हुई थी, रिटन एग्जामिनेशन जो कि फेज वन था, सितंबर में कंडक्ट हुआ था। हालांकि उसमें से कुछ कैंडिडेट्स के एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, उनका री एग्जाम हो रहा है, लेकिन ऐसे सभी छात्र जिनके आपका फेज वन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और उनके सामने अब एक यच प्रश्न आके खड़ा हुआ है कि फेज टू आखिर कैसे तैयार किया जाए। तो मैं अमनीश वाजपेयी आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात करूंगा आखिर फेज टू की तैयारी कैसे करनी, फेज टू है क्या। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एसआरटी और जीडी की तैयारी करनी है। निसंदेह आप डियर स्टूडेंट्स इस चीज को कंफर्म मानिए, मैं आपको 2001 से लगातार ट्रेन कर रहा हूं। हिस्टोरिका कानपुर का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और जिसने आपका हजारों की संख्या में सिलेक्शन दिए हुए हैं। आप ये जो फेज टू वगैरह ऐड हुए 2017 के बाद से ऐड हुए, इसमें करना क्या है, कैसे आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है, लगातार पूरा वीडियो देखिए। और साथ में ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि आपके लिए अवेलेबल होगी, इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज को अगर देखेंगे आप तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं किस तरीके से जो है फेज टू की हमें आखिर तैयारी करनी है। तो फेज टू है क्या, पहले सबसे पहले इस चीज के ऊपर डिस्कशन हम करते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कि व्हाट इज अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन एंड टू। फेज टू में आपने देखा होगा कि वहां पर एक अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन एंड टू। तो व्हाट इज अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन एंड टू इन एयरफोर्स एग्जामिनेशन, हम लोग बात करेंगे इस चीज के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपको अडैप्टेबिलिटी टेस्ट वन क्या है। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट वन है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, या जिसको शॉर्ट में आप कहते हो एसआरटी, या इसी को आपका तमाम स्टूडेंट्स, तमाम लोग आपका ग्रुप साइकोलॉजिकल टेस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट टू क्या है, ये आपका ग्रुप डिस्कशन है। जो बच्चे अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट वन को क्वालिफाई करते हैं उनको अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट टू देने को मिलता है। देन बात करते हैं हम लोग कि आखिर इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है और ये इसकी जरूरत क्यों है। व्हाई सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, क्यों आपका ये कैंडिडेट से इस समय इसकी डिमांड है। पहले जब एयरफोर्स वगैरह में कैंडिडेट जाते थे तो सिर्फ रिटन एग्जाम देना होता था, उसके बाद उनका मेडिकल फिजिकल होता था। लेकिन आजकल ये फेज टू ऐड किया गया, क्यों ऐड किया गया, क्या कारण आपका है। तो दिन पर दिन प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है आज के टाइम पर। पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक पर्सनालिटी फिट ऐसा व्यक्ति जिसकी जो कि पर्सनालिटी एक ऐसी रखता है जो कि जॉब के हिसाब से फिट हो, एक वो अच्छा पर्सन हो और साथ ही साथ एक सिंसियर प्रोफेशनल हो, ऐसे लोगों को आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो आपका सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि किसी भी कैंडिडेट को अगर हमें चेक करना है कि उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, इस वजह से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अगर किसी भी कैंडिडेट की प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना है तब भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट उसमें काम आता है। और अगर किसी भी कैंडिडेट के थॉट्स यानी विचारों में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता हमें देखनी है तब भी ये एसआरटी हेल्पफुल होता है। तो एसआरटी के लिए मैंने आपको तीन बेसिक रीजंस बताए हुए हैं। वन इज डिसीजन मेकिंग, अनदर इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, अनदर इज पॉजिटिव थॉट्स। तो इन सारी चीजों को मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सामने लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस चीज में क्या चीज है। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर्स देखते हैं उनमें आपका ऑलमोस्ट कई बार चार के चारों आंसर्स आपको सही नजर आते हैं। आपको करना क्या होता है, एक बेस्ट आंसर चुनना होता है, जितने भी आंसर है उनमें से एक जो सबसे अच्छा आंसर है वो आपको चुनना होता है। और आपको ध्यान रखना होता है आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आप सकारात्मक सोचे, लीगल तरीके से सोचे, आप समाज के हित में सोचें और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखें कि आपको एयरफोर्स में जाना है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा, वहां पर आपसे क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा है ये। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस बताऊंगा और इसके बाद आपको ढेर सारे इसी तरीके से क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस चाहिए तो आपको अगले वाले वीडियोस आपको देखना है जो कि इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा तो पर्टिकुलर आपसे एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे कि आपको बाकी आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। पहला सवाल है, व्हेन यू सी अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, जब भी कभी आप एक
ऐसा व्यक्ति जो कि अंधा है उसको रोड क्रॉस करते हुए देखते तो क्या करेंगे? आप चारों आंसर्स के ऊपर गौर करिएगा। आज समवन 12 दूसरे किसी से बात करते हैं कि भाई हेल्प करे, गो एंड हेल्प हिम, खुद जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। वेट टिल ही क्रॉसेस द रोड, इंतजार करते जब तक कि वो रोड क्रॉस कर ले, इग्नोर एंड मूव ऑन, आप उसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर डी नहीं हो सकता है और आंसर आपका ए भी नहीं। आप स्वयं मदद नहीं कर सकते, दूसरों से भी नहीं बोल सकते और आंसर डी भी नहीं हो सकता कि आप चले जाएं। आंसर आपको बी और सी में सेलेक्ट करना है। आपको वो चूंकि ब्लाइंड मैन है, आपको इंतजार नहीं करना है, खुद ही जाना है और जाके उसकी मदद करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज बी। और डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है ये कि जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जब आप पर्टिकुलर एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपको ये 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, 45 क्वेश्चन होंगे और सिर्फ आपको 30 मिनट का टाइम देना है। और ध्यान देना है, आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना है। आपको एक दो सवाल गलत होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पूरी की पूरी ओमार शीट आपका भरनी है, सारे आंसर्स आपको देने हैं और वो तुरंत आपका अगले कुछ आधा घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। जो बच्चे आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में फेल होते हैं उनके रोल नंबर कॉल किए जाते हैं और ऐसे बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, राइट? यानी अगर आपका रोल नंबर कॉल नहीं किया गया तो यू आर इन द मेरिट और आप सेकेंड आपका इस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए रेडी है। ये सवाल है, इफ यू आर अ मैनेजर एंड वन ऑफ योर एम्प्लॉई इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एज अ मैनेजर यू इट, एक आप मैनेजर हो और आपका एक एम्प्लॉई प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, आप क्या करोगे? पहला है फायरिंग, यानी उसको बाहर कर देंगे। गिव द मैन 2 weeks टू इम्प्रूव, उसको 2 सप्ताह देंगे आपका इंप्रूव करने के लिए। ट्राई टू डेवलप द मैंस एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट इन अदर जॉब, उसका आपका एबिलिटी यानी योग्यता को आपका डेवलप करने में आपका मदद करेंगे और उसको दूसरी जॉब आपका उसके इंटरेस्ट की देंगे। एंड डी इज टॉक टू हिम एंड ट्राई टू फाइंड आउट हिज प्रॉब्लम। सीधी सी चीज, अगर आप ये देख रहे हैं कि वो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आपको उससे बात करनी चाहिए और उसकी समस्या का हल निकालना चाहिए। देन करेक्ट आंसर इज डी। थर्ड वन इज, यू हैव गॉन टू एंजॉय अ दिवाली मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय योर क्लब, सडनली यू कम अक्रॉस अ लॉस्ट चाइल्ड क्राइंग डेस्परेटली यू इट। आप एक दिवाली मेला में जाते हैं, वहां आपको बच्चा मिलता है जो कि खो गया हुआ है, बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, आप क्या करोगे? पहला नेग्लेक्ट एंड वॉक अवे, ये नेगेटिव आंसर है, जवाब नहीं होना चाहिए। आस्क द चाइल्ड टू फाइंड हिज पेरेंट्स, बच्चे से कैसे बोलोगे उसके पिता को, ये भी जवाब नहीं हो सकता है। आस्क हिम टू स्टॉप क्राइंग एंड वेट पेशेंटली फॉर हिज पेरेंट्स। एंड लास्ट वन इज कॉन्टेक्ट विद द क्लब अथॉरिटीज एंड मेक एन अनाउंसमेंट फॉर द पेरेंट्स। जनरली ये होता है मेला क्षेत्र वगैरह में लाउड स्पीकर्स वगैरह लगे होते हैं जिसमें खोए वाले बच्चों की सूचनाएं दी जाती रहती है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। देन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज डी। फोर्थ क्वेश्चन इज, अ पर्सन मैनेजिंग द फ्रंट ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, यहां पर बात आपका हो रही ऐसे व्यक्ति की जो किसी भी संस्था का फ्रंट ऑफिस टैकल करता है। तो फ्रंट ऑफिस वाले के अंदर क्या होना चाहिए? लीडरशिप, पर्सनालिटी, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। देखिए यहां पर सारे आपके जवाब ऑलमोस्ट आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन लीडरशिप की रिक्वायरमेंट वहां होती जहां पर आप फ्रंट से लीड करते हो, यू आर मैनेजर और यू आर समवेयर राइट लीडिंग इन द आर्मी आर समवेयर एल्स। तो पहला जवाब लीडरशिप नहीं हो सकता, पर्सनालिटी डजंट मैटर, आपका पेशेंस और डिसिप्लिन। तो यहाँ पर सही जवाब पेशेंस है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस में तमाम बार आपको कई ऐसे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं जहां पर आपको बहुत धैर्य से काम लेना होता है। देन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज सी, यानी पेशेंस। 5 नंबर क्वेश्चन, द प्रीवियस डे ऑफ योर इंटरव्यू, एक दिन इंटरव्यू के पहले आपको पता चलता है योर फ्रेंड्स कम्स एंड टेल दैट यू दैट द एक्सपर्ट फॉर द इंटरव्यू इज अ वेरी टफ पर्सन। आपका इंटरव्यू लगा हुआ है, आपका एक मित्र आता और आपको बताता कि भाई जो इंटरव्यू लेने के लिए एक्सपर्ट आ रहा है बड़ा ही आपका टफ पर्सन है, बहुत सख्त आदमी है। तो आप क्या करोगे? यू पहला स्टॉप प्रिपरेशन, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं आप क्या तैयारी करनी छोड़ दोगे? नहीं। आर कंसोल दैट यू हैव अप्लाइड फॉर अदर पोस्ट ऑल्सो, आप इस चीज से सांत्वना ले लोगे कि आपने दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रखा है? नहीं। प्रे दैट ओनली सिंपल क्वेश्चन, आप ये भगवान से मानोगे कि भाई सरल से सवाल पूछ जाए और नॉट बॉदर्ड, बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे, आज यू आर प्रिपेयर्ड वेल, बस यही सोचिए मैंने तो अच्छे से तैयारी करी, मेरे को कोई चिंता नहीं, कैसा भी आदमी इंटरव्यू के लिए आ जाए। देन द करेक्ट आंसर इज टी। 6 क्वेश्चन है, ये कहावत है नो रिस्क नो गेन, आप क्या करोगे? नो रिस्क नो गेन, यू आप इससे क्या है? फील दैट रिस्क मीन नो गेन, बिलीव दैट द स्लोगन इज करेक्ट, फील इट इज फुलिश टू एक्सेप्ट अननेसेसरी रिस्क, फील दैट रिस्क मे बी टेकन ओनली आफ्टर जजिंग द सिचुएशन थ्रूली। तो इन द करेक्ट आंसर इज डी। आपको यहां पर करना क्या चाहिए? आपको जवाब देना चाहिए डी। आप यहां पर ये सिर्फ सोचे कि जो रिस्क है, फील दैट रिस्क में बी टेकन ओनली आफ्टर जजिंग द सिचुएशन थ्रूली। अगर आप जो स्थिति है उसको अच्छे तरीके समझते हैं तो आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है यू क्या कर सकते, कैन वर्क हार्ड इन डे टाइम बट नॉट इन द नाइट, डू नॉट माइंड वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स इफ द सिचुएशन डिमांड सो, आर एन अर्ली राइजर एंड गो टू बेड अर्ली,
फील स्लीपी इफ यू हैव टू वर्क लेट नाइट, ये चार सिचुएशन आपके सामने, आप इनमें से क्या है, ये आपके ओपिनियन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको यहां पर बेस्ट जवाब देना है तो आप पहले आप अपने गलत जवाब हटा दीजिए, नकारात्मक जवाब हटा दीजिए, डी आपका जवाब नहीं हो सकता है। फील स्लीपी इफ यू हैव टू वर्क लेट नाइट, अगर आप देर रात तक काम करते तो आप स्लीपी फील करते, और एन अर्ली राइजर एंड गो टू बेड अर्ली, एक अच्छी आदत है बट यहां पर ये जवाब के हिसाब से फिट नहीं होती है। पहला वाला कैन वर्क हार्ड इन डे टाइम बट नॉट इन द नाइट, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। देन योर करेक्ट आंसर शुड बी बी, डू नॉट माइंड वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स इफ द सिचुएशन डिमांड्स हो। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप एयरफोर्स में जाएंगे तो वहां पर भी कई बार आपको दिन रात काम करना पड़ता अगर स्थिति ऐसी है तो। सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, योर बॉस हैज वेरी पियर्सिंग आईज एंड स्पाइज ऑन योर परफॉर्मेंस ऑल द टाइम, आपके बॉस आपके ऊपर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं और आपकी परफॉर्मेंस हमेशा चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आप क्या करोगे? इग्नोर द अनकंफर्टेबल ग्लांसेस एट इट इज हिज जॉब, आप इग्नोर करेंगे उनको क्योंकि ये उनकी जॉब है। सबली कन्वेट टू द बॉस, इस चीज को बॉस को बताएंगे। टेल योर सीनियर्स क्लियरली दैट सच सुपरविजन इफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस, अपने सीनियर्स को बताएंगे कि इस तरीके की चीज आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। लास्ट वन, जस्ट डू योर वर्क, तो आपको ये जवाब देना है जस्ट डू योर वर्क, क्योंकि आपके ऊपर कोई सुपरविजन कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने काम से काम रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइल ट्रेवलिंग इन योर कार सर्टेन पर्सन स्टॉप्स यू ऑन द वे आस्किंग यू टू टेक एन इंजर्ड चाइल्ड टू द हॉस्पिटल यू वुड, आप रास्ते में कार से जा रहे हैं और कहीं पर आपको लोग रोकते हैं और एक बच्चा जो कि घायल है उसको अस्पताल ले जाने के लिए बोलते हैं आपसे, आप क्या करोगे? Ask them to leave your way, आप उनसे बोलोगे भाई रास्ता छोड़ो मेरे को जाने दो, नहीं, गलत जवाब, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। Ask them to first call the police, उनसे कहोगे नहीं भाई पुलिस को बुलाओ, ये भी सही जवाब नहीं हो सकता। इमीडिएटली टेक द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, गेट आउट ऑफ द कार एंड आस्क सम अदर पर्सन टू हेल्प, अरे भाई खुद नहीं मदद कर सकते दूसरा कैसे करेगा ना आपके कहने पर। देन द करेक्ट आंसर इज सी, ऐसे घायल व्यक्ति को तुरंत आपको कहां ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर इज, यू गो टू अ शोरूम एंड लाइक अ वॉच देयर बट इट इज बियॉन्ड योर बजट एंड इट इज द लास्ट ऑफ इट्स काइंड व्हाट यू डू, आप एक शोरूम में जाते हैं वहां पर घड़ी पसंद करते हो लेकिन आपके बजट से बाहर है और ये अपने टाइप की आखिरी घड़ी जो कि वहां पर उपलब्ध है, आप क्या करोगे? You look for a similar but a cheaper watch, आप वैसी लेकिन एक सस्ती घड़ी देखोगे। You borrow money from friends, आप अपने मित्रों से उधार लोगे, नहीं, borrow money ये negative sense में जा रहा, गलत करिए। You decide that you cannot afford it and let it be, आप ये निश्चित मान लो कि आप इसको afford नहीं कर सकते, छोड़ दो। You come back and after some time try your luck if it is still there, आप वापस आते हो कुछ समय बाद दोबारा ट्राई करिए कि वापस वहां पर है। यस, करेक्ट आंसर इज डी, आप ऐसी घड़ी जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ समय बाद जब आप पैसे इकट्ठे हुए आते हैं आप दोबारा जाइए और चेक करिए वहां पर उपलब्ध है कि नहीं। सो डियर स्टूडेंट, जस्ट मैंने आपको यहां पर एक हिंट दिया किस तरह के क्वेश्चन आपको यहां पर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी SRT के टेस्ट में पूछे जाते रहते हैं। बहुत जल्द ही मैं आपको इसमें पूरे 45 क्वेश्चन के, कुछ थोड़े कम क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराऊंगा। इस पर्टिकुलर आपका वीडियो लेक्चर को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो हमारी ये प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप बने रहिएगा। प्लेलिस्ट में आपको रोजाना आपको इस तरीके के कुछ ना कुछ वीडियोस मिलेंगे और यस, आपको ऑफकोर्स यहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस के भी वीडियोस मिलने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, यही मेरी एक गुरु दक्षिणा है आपसे, यही एक रिक्वेस्ट है, और आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।